हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड जूनियर के जी, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हमने आगे के वीडियो में लाइंस देख ली थी, तो अब हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उन सबको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्फाबेट कहते हैं। तो वो हमें लिखना है। तो आज क्या लिखेंगे हम? पहला है ए फॉर एप्पल। आपको एप्पल का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या सीखना है? ऐसे ए फॉर एप्पल लिखना है। तो पहले ये दिया हुआ है, ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, उस पर आपको पहले इस तरफ स्लांटिंग लाइन बनानी है, दूसरी इस तरफ, और बीच में स्लिपिंग लाइन। तो क्या बन गया? ए फॉर एप्पल। चलो फिर से एक बार, एक स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन, बीच में स्लिपिंग लाइन। तो क्या बन जाएगा? ए फॉर एप्पल। तो ये जो पूरे दिए हुए हैं, ये सब के ऊपर आपको ऐसे ट्रेस करना है, और क्या लिखना है? ए फॉर एप्पल। और ऐसे ही नहीं लिखना है, बोल कर लिखना है, ए फॉर एप्पल। ओके, तो ये नीचे दिए हुए उन सब पर भी आपको क्या करना है? ए फॉर एप्पल लिखना है। उसके बाद ये नीचे जो जगह दी है उसमें आपको मम्मी को बोलना है, ऐसे तीन डॉट करके दी, क्या बनाना है? तीन डॉट, ऐसे ऐसे क्या बना देने हैं? तीन डॉट करने हैं। तो यहाँ से एक स्लांटिंग लाइन, यहाँ से दूसरी स्लांटिंग लाइन, और बीच में स्लिपिंग लाइन। तो क्या बन गया बच्चों? ए फॉर एप्पल। ऐसे दूसरे पर भी क्या बन गया? ए फॉर एप्पल। तो ऐसे पूरे डॉट करके देने हैं। आपको मम्मी को बोलना है कि मुझे ये सारे डॉट करके दो, और आपको क्या लिखना है? ए फॉर एप्पल। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। फिर से एक बार, क्या करना है? पहले एक स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन, और बीच में स्लिपिंग लाइन। ओके, चलो ए फॉर एप्पल के बाद क्या आएगा? बी फॉर बॉल। वेरी गुड। और बी फॉर बलून भी होता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बलून दिया हुआ है। तो चलो हम क्या सीखेंगे आज? ए फॉर एप्पल के बाद क्या सीखेंगे? बी फॉर बॉल। तो बी फॉर बॉल में क्या आएगा? पहले स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व, और यहाँ से दूसरा कर्व। चलो नीचे लिखा दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है? स्टैंडिंग लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन के बाद एक ऐसे कर्व बनाना है, और दूसरा कर्व। तो क्या बन जाएगा? बिफोर बॉल। चलो फिर से एक बार, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, और यहाँ से दूसरा कर्व। समझ में आया ना बच्चों? चलो फिर एक बार, स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व, और दूसरा कर्व। ऐसे पूरे जो जितने भी दिए हुए हैं उन सब पर आपको ट्रेस कर देना है। उसके बाद आपको मम्मी को बोलना है, ऐसे दो डॉट करके दे। कितने डॉट? दो। तो आपको दो डॉट करके देगी, तो आपको क्या करना है? पहले जो दो डॉट दिए हुए उस पर स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसके बाद यहाँ से ये ब्लू लाइन तक कर्व, और फिर से वहाँ से नीचे तक दूसरा कर्व। तो क्या बन जाएगा? बिफोर बॉल। चलो फिर से स्टैंडिंग लाइन,
एक कर्व और दूसरा कर्व, फिर से स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व और दूसरा कर्व, ऐसे पूरे नीचे तक आपको क्या लिखना है, बिफोर बॉल। चलो बिफोर बॉल के बाद क्या आएगा, सी फॉर कैट। तो हमने सी फॉर कैट तो कैसे लिखना है, कर्व जो किया था ना वैसे, और यहाँ पे सी फॉर कार का पिक्चर दिया हुआ है, तो सी फॉर कार भी होता है, सी फॉर कैट भी होता है, तो हमें कैसे लिखना है, ऐसा कर्व बनाना है, वो तो आपने किया था ना आगे लाइन में वैसा। चलो पहले ट्रेस करो, ऐसे ट्रेस करना है, उसके बाद नीचे दो डॉट करवाने हैं ऐसे। दो डॉट दिए हुए, उसमें क्या करना है आपको, ये ऊपर वाले डॉट से स्टार्ट करना है कर्व बनाना और नीचे वाले डॉट को डॉट तक छोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, सी फॉर कैट। क्या बन जाएगा, सी फॉर कैट। क्या बनाया ये, सी फॉर कैट। ओके, तो आपको नीचे तक फिनिश करना है ऐसे सी फॉर कैट लिखकर। क्या लिखा हमने, सी फॉर कैट, वेरी गुड। सी फॉर कैट की बात क्या आएगा, डी फॉर डॉग, वेरी गुड। और यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया हुआ है, ड्रम दिया हुआ है, तो डी फॉर ड्रम भी होता है, तो कैसे लिखना है वो हम सीखते हैं। पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ये जो हमने सी में इस तरफ, इस तरफ आएगा। ओके, तो पहले क्या बनाना है, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से यहाँ तक कर्व, पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर कर्व बनाना है, तो क्या बन जाएगा, डी फॉर डॉग। ओके, क्या लिखा हमने, ये डी फॉर डॉग, तो ये पूरे आपको मम्मी को बोलना ऐसे दो डॉट करके दे। तो ये दो डॉट है, उस पे पहले क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर ऐसे, तो क्या बन जाएगा, डी फॉर डॉग, पहले स्टैंडिंग लाइन फिर कर्व, तो क्या बन जाएगा, डी फॉर डॉग। ऐसे पूरे जितने भी है नीचे ये सब ऐसे ही लिख देने हैं। ओके, समझ में आया बच्चों, ये क्या लिखा हमने, डी फॉर डॉग, वेरी गुड। डी फॉर डॉग की बात क्या आएगा, E for elephant, क्या आएगा, E for elephant, तो कैसे लिखना है E for elephant, स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, बीच में स्लिपिंग लाइन और नीचे भी स्लिपिंग लाइन। तो चलो हम ट्रेस करते हैं, जो नीचे दिए हुए E for elephant लिखा हुआ है उस पर हमें ट्रेस करना है। तो
तो पहले स्टैंडिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन, बीच में दूसरी स्लिपिंग लाइन और नीचे बन गया ई फॉर एलिफेंट। तो पहले स्टैंडिंग लाइन, दूसरी एक स्लिपिंग लाइन, दूसरी स्लिपिंग लाइन और तीसरी स्लिपिंग लाइन। तो क्या बन गया? ई फॉर एलिफेंट। चलो बनाओ। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। ओके, तो ये सारे आपको ट्रेस करने हैं, फिर नीचे डॉट करवाना है ऐसे दो। तो जो दो डॉट लाइन बनानी है, एक स्लिपिंग लाइन, बीच में तीसरी स्लिपिंग लाइन और एलिफेंट। चलो स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एक, दूसरी स्लिपिंग लाइन और तीसरी स्लिपिंग। उसके बाद फिर से एक बार स्टैंडिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन, दूसरी स्लिपिंग लाइन और तीसरी स्लिपिंग लाइन। तो अब आपको ये सब सारे डॉट करके नीचे ई लिख देना है, ई फॉर एलिफेंट, और बोल कर लिखना है। कैसे लिखना है? बोल कर। तो ये सारे आपने आज हमने कितने लिखे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग एंड ई फॉर एलिफेंट। तो जितने भी हमें टेक्स्ट बुक में लिखे वो आपको नोटबुक में टू टाइम लिख देने हैं सारे, ए टू ई, यानी कि टू पेज होगी। समझ में आया बच्चों? थैंक यू।